सो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी के टाइम पे जो है 3D रोटेशन वाली जो रील वीडियो है वो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आपको कैसे एडिट करना, चलिए मैं आप सभी को सिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फोको ऐप। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करके सर्च कर लेना है एंड यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे एंड आपको डायरेक्ट एडिटिंग सिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे जो मीडिया वाला एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, उसमें आपको ये वाला टेम्पलेट मिलेगा। आपको सिंपली इस टेम्पलेट के ऊपर टैप करना है एंड जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे तो गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे गाइस देख लीजिए आपको जो है नीचे यहाँ पे बहुत सारी फोटोज़ दिख जाएंगी, मतलब 6 फोटोज़ दिख जाएंगी जिसमें एक PNG होगा और एक आउटपुट की फोटो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। जैसे गाइस आप ये फोटो देख रहे हो, यहाँ पे गाइस आपकी फोटो होगी एंड उसके बाद जो ये PNG देख रहे हो गाइस साइड में बगल में आप जो PNG देख रहे हो ये ऐसे आपकी यहाँ पे फोटो होगी। ठीक है, PNG होगी। तो आपको कैसे बनाना है PNG वो मैं बता देता हूँ आप सभी को, ताकि आपको जो एकदम अच्छे से एकदम मतलब कंप्लीट हो जाए कि सारा डाउट। तो आपको सिंपली यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी तो आप कोई सा भी यूज़ कर लेना। ठीक है, बट मैं यहाँ पे जो है एक यहाँ पे अडोबे फोटोशॉप का जो एक ब्राउज़र है मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे अडोबे वाला है। यहाँ पे क्या है कि फोटो की क्वालिटी कोई भी डाउन नहीं होगी तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको सिंपली इसके ऊपर एंटर करना है एंड जैसे एंटर करोगे अपलोड इमेज के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे गाइस आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि मैंने तो अपनी जो भी इमेजेस हैं मैंने उनको मतलब पहले से PNG बना रखे हैं, तो आप लोग बना लेना। ठीक है, तो अभी मैं वो नहीं दिखाऊंगा आप सभी को, तो अब मैं डायरेक्ट चलते हैं ऐप में। अब जो है गाइस आप लोगों को सिंपली ऐप में आ जाना है। यहाँ पे गाइस आप लोग को इस फोटो के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे जो आपकी पहली फोटो होगी जिसमें पूरी आपकी फोटोज़ होगी, जैसे यहाँ पे पूरी कंप्लीट फोटो है, आपको वाली फोटो अपनी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे जो फोटो थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। फिर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे PNG वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फोटो के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे जो आप लोगों को सिंपली फाइल अपने जो फोल्डर में जाके आपको अपनी फोटोज़ को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह आपको सारा चीज़ ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और बाकी जब तक मैं ये कर रहा हूँ गाइस, अगर अभी तक आप सबने वीडियो को लाइक नहीं करी है तो आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप लोगों के लिए जो है मैं ऐसे ही ट्रेंडिंग रील्स के अकॉर्डिंग वीडियो लाता रहूं। और बाकी अगर आपको इंस्टा पर कोई भी ट्रेंडिंग रील पसंद आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना उस वीडियो के, मैं आप लोगों के लिए जो है उसका जो मतलब कि ट्यूटोरियल मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, अगर आप चाहो तो मेरे को मेंशन कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप सभी को, चाहो तो आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। एंड बाकी आपको मैं यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा देता हूँ गाइस कि हमारी जो वीडियो कैसी एडिट हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वीडियो इस तरीके से कुछ बन के रेडी हुई है एकदम कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, एकदम ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी हमें। बाकी अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। बाकी आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखी प्लविंग की सपोर्टिंग। गुड बाय।